318 ग्लोव कंपनी। ग्लव कंपनी मेक्स हाई क्वालिटी हैंडमेड ग्लव विच इट सेल्स फॉर एन एवरेज ऑफ 180 पर पेयर। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर ईच पेयर इज 42 एंड द स्टैंडर्ड लेबर टाइम फॉर ईच पेयर इज 3 आवर्स। इन द लास्ट क्वार्टर ग्लव कंपनी हैज बजेटेड प्रोडक्शन ऑफ 12,000 पेयर्स ऑल्दो एक्चुअल प्रोडक्शन वॉज 12,600 पेयर्स। In order to meet the demand of 37,000, in order to meet the demand, 37,000 hours were used to complete the work, and there was no idle time. Total labor cost for the quarter was 531,930. Okay, at the beginning of the last quarter, at the beginning of the last quarter, the design of the gloves was changed slightly. The new design required workers to sew the company's logo onto the back of the every glove made, and estimated time to do this was 15 minutes for each pair. However, no one told the accountant responsible for updating the standard cost and the standard time per pair of gloves needed to be changed. Similarly, although all workers were given 2% pay rise at the beginning of the last quarter, the accountant was not told about this either. So consequently, the standard was not updated to reflect this. हाँ, तो ये next question करेगा। तो अभी के लिए पहले क्वेश्चन पे करना है, ध्यान देना है। सो टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द क्वार्टर आया था 531,930 और आवर्स थे 37,000 आवर्स जो इन्होंने एक्चुअल में काम किया। तो एक्चुअल रेट मिल जाएगा अपने को, जो कि डिवाइड बाय दिस। सो दिस इज माई एक्चुअल रेट 14.37, ये मेरा एक्चुअल रेट हो गया। और स्टैंडर्ड रेट अभी के लिए कैसा करना पड़ेगा, वन एट्टी पर पेयर तो इसका सेलिंग प्राइस है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर वाज 42 एंड स्टैंडर्ड लेबर टाइम फॉर ईच पेयर इज 3 आवर्स। तो मेरा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेट मेरे को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू कितना है, ये 14 मुझे चाहिए। एक्चुअल क्वांटिटी मैंने कितनी है, एक्चुअल आवर्स चाहिए मेरे को, कि लेबर रेट वेरियंस में मैं आवर्स देखता हूँ। सो एक्चुअल आवर्स में वो 37,000 आवर्स है, 37,000 आवर्स। मेरा एक तो सॉर्टेड है, वो है लेबर रेट वेरियंस। लेबर रेट वेरियंस इज इक्वल टू 12 आवर्स। सो अभी दैट वुड बी दिस माइनस दिस इनटू एक्चुअल आवर्स, दैट वुड गिव मी, तो मैंने ज्यादा पे किया तो दिस वुड बी एडवर्स। लेबर रेट वेरियंस वुड बी एडवर्स। ठीक है, सेकेंड वाला लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, सी वेरियंस और लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, व्हाट इज माय फॉर्मूला लेबर एफिशिएंसी वेरियंस के लिए। एक्चुअल आवर्स
माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। सो इफ फॉर माई लेबर एफिशिएंसी वेरियंस व्हाट आई वुड डू इज, एक्चुअल आवर्स मेरे पास है, मुझे बस मेरे स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं। मैं स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालूंगा? मैं मुझे सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट माय स्टैंडर्ड आवर्स, मुझे एक फॉर 1 यूनिट आई एम टेकिंग आवर्स विच इज 3। सो स्टैंडर्ड एक्चुअली एक्चुअल आवर्स नहीं, स्टैंडर्ड आवर्स नहीं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन सो एक्चुअल में कितनी यूनिट बना रहा हूँ? 12,600। तो मैं 12,600 पेयर्स बना रहा हूँ। सो एक पेयर बनाने के लिए 3 घंटे लग रहे थे ना? हाँ, एक पेयर में 3 घंटे, तो दिस डिवाइड दिस, हाँ 37,800। तो मेरे को स्टैंडर्ड आवर्स 37,800 लगते हैं, मुझे अभी लगे एक्चुअल आवर्स 37,000। सो दिस वुड बी 37,800 माइनस इतना, बट दिस वुड बी फेवरेबल इनटू स्टैंडर्ड रेट व्हिच इज 14। दिस इज फेवरेबल तो 318। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। वन थ्री 9:30 एडवर्स, परफेक्ट फॉर लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी के लिए 11,200 फेवरेबल। लेट्स गो क्रेजी। फर्स्ट वन हो गया। अभी नेक्स्ट आता है बी पार्ट। बी पार्ट के लिए एनालाइज द अबाउट टोटल वेरिएंसेस इनटू कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस इन एज मच डिटेल एज द इंफॉर्मेशन अलाउज। तो लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को अभी अपने को बांटना है। तो पहले तो लेबर रेट वेरिएंस इसको बांटना है प्लानिंग और ऑपरेशनल में इन एज मच डिटेल। सबसे पहले आता है प्लानिंग, लेबर रेट वेरियंस के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ऑपरेशनल के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल बराबर। ऑपरेशनल प्लानिंग लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, टोटल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। फिर आता है ऑपरेशनल के लिए एक्चुअल आवर्स,
इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं अभी। अभी अपने को कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट क्वार्टर द डिजाइन ऑफ द ग्लव्स वाज चेंज स्लाइटली। द न्यू डिजाइन रिक्वायर्ड वर्कर्स टू स्यू कंपनीज लोगो ऑन टू द बैक ऑफ एवरी ग्लव मेड एंड द एस्टिमेटेड टाइम टू डू दिस वाज 15 मिनट फॉर ईच पेयर। तो हर पेयर के लिए 15 मिनट्स लग रहे थे ये करने के लिए। तो एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा टाइम होगा, एक्स्ट्रा टाइम टेकन वुड बी 15 डिवाइड बाय 60। तो इतना अपने को एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था। However, no one told the accountant responsible for updating the standard cost card. तो किसी ने भी अकाउंटेंट को ये इन्फॉर्म नहीं किया कि 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन कितने की थी? नहीं, ये एक्चुअली अभी रिवाइज हो जाएगा ना, बिकॉज द न्यू डिजाइन रिक्वायर्ड वर्कर्स टू सू द, हाँ तो अभी इसके लिए मुझे स्टैंडर्ड ही लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आवर्स विच इज कितना आया था मुझे स्टैंडर्ड आवर्स, हाँ 37,800 मुझे इतने का ज्यादा टाइम लगा। एक काम करते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि हर बैच के लिए क्या, हर पेयर के लिए मेरे को 0.25 एक्स्ट्रा लगा। सो 1260 के एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर हम जा रहे थे, तो आता है इतना। सो दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1260 और 3150 इतना एक्स्ट्रा टाइम लगा। However, no one told the accountant responsible for updating standard cost that the standard time per pair of gloves need to be changed. Similarly, although all workers were given 2% pay rise at the beginning of the last quarter, the accountant was not told about this either. Consequently, the standard was not updated to reflect these changes. When overtime is required, the workers are paid 25% more than the usual hourly rate. इन ओवर टाइम कब रिक्वायर्ड था? टू परसेंट पे राइज मिला है, तो स्टैंडर्ड रेट जो था वो था 14 का, उसके ऊपर 2% का पे राइज मिला है, तो इतना, सो इतना हमारा बन जाता है रिवाइज्ड रेट। तो रिवाइज्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, तो अभी देखते हैं। रिवाइज्ड रेट वुड बी 14.28, स्टैंडर्ड रेट वॉज 14 ओनली, एंड एक्चुअल आवर्स, मेरे को एक्चुअल आवर्स कितना लग रहा है प्रोड्यूस करने के लिए, लग रहे थे 37,000। मेरा रिवाइज एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 31,500 प्लस माई स्टैंडर्ड वुड बी माई रिवाइज, रिवाइज मेरे 4950 आते हैं। तो वाइज मुझे इतना आ रहा है इनटू एक्चुअल, सो मुझे 1036 एडवर्स आता है प्लानिंग वरायंस, एक्चुअल में
इनटू एक्चुअल आवर्स जो मेरे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिया हुआ था 37,000, तो वो मेरा आता है भाई, जो मेरा एक्चुअल अभी ज्यादा आ रहा है तो ये भी मेरा एडवर्स जाएगा। कोई लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो ये भी खाली ऐसे ही कर लेते हैं कि मेरे रिवाइज्ड आवर्स जो थे वो थे 4950 माइनस स्टैंडर्ड आवर्स जो मेरे लग रहे थे वो थे इतने इनटू व्हाट स्टैंडर्ड रेट विच इज माय 14 वर्सेस 4410, ये भी एडवर्स जाएगा। और अभी यहाँ पे लेबर के लिए रिवाइज्ड वाज 4950 माइनस माय एक्चुअल जो मेरे थे 37,000 इनटू माय स्टैंडर्ड रेट विच इज 14, तो आता है 55,300, बट दिस वुड बी फेवरेबल। चेक कर लेते हैं, 10,360 एडवर्स, 3,570 एडवर्स, प्लानिंग वेरियंस 4,410 एडवर्स, एंड दिस वुड बी 55,300 फेवरेबल। लेट्स गो भाई, क्रेजी। लास्ट क्वेश्चन थियोरी। Assess the performance of the production manager for the last quarter. Analysis of performance. At first glance, the performance looks mixed because the total labor rate variance is adverse and the total labor efficiency variance is favorable. However, the operational and planning variances provide a lot more detail on how these variances have occurred. The production manager should not be held accountable for the variances which they can control. Should only be held accountable for the variances which they can control. This means that they should only be held accountable for the operational variances. When these operational variances are looked at, it can be seen that the labor rate operational variance is 3,570 adverse. This means that the production manager did have to pay for some overtime in order to meet demand. But the majority of the total labor rate variance is driven by the failure to update the standard for the pay rise that was applied at the start of the last quarter. The overtime rate would also have been impacted by that pay increase. That 2% का pay increase की बात कर रहे हो लोग। Then when the labor efficiency operational variance is looked at, it is actually 55,300 favorable. This shows that a production manager has managed their department well with workers completing production more quickly than would have been expected when the new design change is taken into account. The total of operating variance is therefore 51,730 favorable, and so overall performance is good. The adverse planning variances of 10,360 and 44,100 do not reflect on performance of the production manager and can therefore be ignored here. क्योंकि प्लानिंग उसके कंट्रोल में नहीं है, ऑपरेशन उसके कंट्रोल में है। बराबर, तो ऑपरेशन के लिए मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल करेंगे, प्लानिंग के लिए नहीं। एक बराबर। कौन मिनट, वो पॉइंट नहीं डाला इसमें ना, वो सा? अकाउंटेंट को। अच्छा डाला ना, अकाउंटेंट को बता नहीं था। हाँ, वो एक्चुअली स्टैंडर्ड ना, कि उसने चेंज नहीं किए स्टैंडर्ड आवर्स, हाँ आना चाहिए था। नो वन टोल्ड द अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग स्टैंडर्ड चलो कॉस्ट। वापिस आओ कुछ आंसर पे। आ गया। दिस मीन दैट दे शुड ओनली बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द ऑपरेशन। ये तो ऑपरेशन की बात है, इसमें तो किसी की भी गलती नहीं होगी फिर तो। प्लानिंग का तो नहीं बोल सकते, और अकाउंटेंट को अपडेट ही नहीं किया।